क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जरीफ नगर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए क्या समस्या आई थी जो यहाँ तक आए? पता नहीं, मुझे तो कोई सूचना ही नहीं थी, कुछ नहीं थी। नया तहसीलदार गए, मुझे उठा लिया, ग्रेमन पकड़ के मुझे चपरा तक में पहननी थी, अचानक उठा लिया और उठा के मुझे बंद कर दिया। मुझे कुछ हुई नहीं है। अब यहाँ के बताई कि तुम्हारा नाम आरसी है और ऐसा चला था, और आरसी में भी नाम था तुम्हारी की ब्रजपाल ओमकार है और मेरे पिता का नाम ब्रजपाल ओमपाल है, ओमपाल। और ना ही मेरी दुकान है कोई, ना ही कुछ है। दुकान थी वहाँ, उसमें जो लिखा हुआ है आरसी में वो है कृत्रिम गर्भधान केंद्र। जी जी। उस पर डॉक्टर की दूसरे की ड्यूटी थी, मुझे तो कोई मजबूरी नहीं, ना डॉक्टर फॉक्टर, मैं तो वहाँ बैठता था। किसी दुश्मनी वाले ने, वैसे ही मेरे बीड़ी वाले आए, चोरी वाले, उन्होंने नाम लिखवा दिया कि कौन है, कि ब्रजपाल, ब्रजपाल नाम लिखवा दिया उन्होंने, मेरे नाम मुकदमा लिखा दिया और दुकान किसी की, और मैं वैसे ही लिखवा दिया अच्छे खासे में, और मुझे ले आया यहाँ पर बंद कर रखा है। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन से मैं यहाँ बंद हूँ। मतलब कौन कौन क्या था गिरफ्तारी लेने? नायब तहसीलदार गए थे और आसाराम अमीन गए थे, जो आसाराम अमीन और नायब तहसीलदार। हाँ, ये उससे बीडी विभाग ने नोटिस जारी किया है, इसमें साथ तुम्हारी की ओमपाल ओमकार है और मेरे पिता का नाम ओमपाल है, और ये गलत है कतई और पूरी तरीके से फर्जी है। इसमें दुकान भी फर्जी दिखाई गई है, सारा कुछ फर्जी दिखाया है। जी जी। और मैं 8 दिन से यहाँ बंद हूँ बेगुनाह पूरी तरीके से। मेरे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी हुई, मेरा गले मां पकड़ के ला गया, मुझे खींचा गया पूरी तरह से, मुझे चपड़े तक नहीं पहने दी गई। ये बात तहसीलदार के सामने रखी आपने? नहीं, मैंने वो रखा, मैं दोषी नहीं हूँ। ना रखा कहाँ, रखता कहाँ से, मैं लाया आसाराम अमीन और नायब तहसीलदार ने मुझे उठा के यहाँ बंद कर दिया। अब मैं किसको कहता बंद में, क्या किसके सामने रख पाऊंगा? कुछ ने कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो यहाँ से बंद हूँ 8 दिन से। जी जी। ये जो मामला जो है जरीफ नगर के, हाँ जरीफ नगर पड़ता है सर, ब्रजपाल पुत्र ओमपाल, और ओमपाल का है जो आरसी जो जारी आरसी जारी हुई थी ब्रजपाल पुत्र ओमकार के नाम से, ब्रजपाल पुत्र ओमकार के नाम से, तहसीलदार और अमीन साहब इनके लिए उठा करके तहसील की हवालात में, तहसील की हवालात में उठा करके इनको बंद कर दिया है। और आज 8वां दिन है और किसी तरह की कोई राहत नहीं है, जबकि फर्जी बंद किया गया है और घर पर बाल बच्चे भी इनके परेशान हैं। देखिए किस तरीके से इन लोगों को बंद किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी इस फर्जी मामले का तुरंत जांच करा के इसका खंडन करें और फर्जी जो फंसे हुए हैं इनको न्याय देने की कृपा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।